एवरीवन, वैकेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के तरफ से फैकल्टी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो सब आप जान सके। अब इसका डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के तरफ से फैकल्टी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन ही करना होगा। अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि रिलीज हुई है 18 जनवरी 2024 को। ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट का ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। अप्लाई करने का लास्ट डेट है 7 फरवरी 2024। हार्ड कॉपी सबमिट करने का लास्ट डेट है 14 फरवरी 2024। इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। अब सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। एप्लाइड साइकोलॉजी में प्रोफेसर में 1 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है, केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 पोस्ट है, कॉमर्स में प्रोफेसर में 1 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर में 1 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है, एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ में एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है, जियोग्राफी में एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है, हिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर में 2 पोस्ट है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में प्रोफेसर में 1 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है, मटेरियल साइंस में प्रोफेसर में 1 पोस्ट है, म्यूजिक में प्रोफेसर में 1 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है, फिजिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है, सोशल वर्क में प्रोफेसर में 1 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में प्रोफेसर में 1 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है। तो टोटल इसमें 24 वैकेंसी है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन देखा जाएगा एज पर यूजीसी नॉर्म्स। अब इसमें एप्लीकेशन फी कितना लगेगा वो देख लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी लगेगा 750 रुपीज। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा, एप्लीकेशन फी ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ये इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, वो जल्द से जल्द अप्लाई करना। अप्लाई करने से पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट विशेष।